राजधानी में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर तो पुलिस का वैसे ही शिकंजा है, और इसी शिकंजे को कायम करने के लिए पुलिस आए दिन इन अवैध रेस्तराओं पर छापेमारी करती रहती है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने वेस्ट दिल्ली में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्का और नशे का सामान जब्त किया है, और अपनी इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी ट्रेंडिंग अंदाज में ट्वीट किया और लिखा कि ये हम हैं, ये हुक्के हैं और अब पारी नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान दो रेस्टोरेंट पर जब दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे तो रेस्टोरेंट में कोरोना के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में लोग जमकर हुक्के का धुआं उड़ा रहे थे। पुलिस ने जब दोनों रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछताछ की तो वह पुलिस के जवानों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से रोकने लगे। पुलिस का कहना है कि मैनेजर के रोकने के पीछे का मकसद था जल्द से जल्द रेस्टोरेंट के अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर पर्दा डालना। दिल्ली पुलिस द्वारा इसी कार्रवाई को पूरा करते हुए ट्विटर पर रंगीन अंदाज में जानकारी साझा की गई, जो कि कुछ ही समय में चर्चा का विषय बन गई और लोगों के बीच इसे खूब पसंद किया जा रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।